नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JSD नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि इसी तरह आपको न्यू वैकेंसीज की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसी की जो कि रहने वाली है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति डिमांड हरबोर हेल्थ डिस्ट्रिक्ट से होने वाली है जो कि वेस्ट बंगाल से है। इसका नोटिस जारी हुआ था 27/1/2021 को। पोस्ट होने वाली है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने वाली है। फर्स्ट पोस्ट है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, और सोशल वर्कर की यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSW फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एम फिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और सोशल वर्कर के लिए है, मेडिकल सोशल वर्कर के लिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 3 मंथ ट्रेनिंग इन PSW साइकेट्रिक सोशल वर्क। और इसमें सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी साइकेट्रिक सोशल वर्कर को, और सोशल वर्कर को 25,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। आगे बात करते हैं एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर है, जिसमें ये 1 जनवरी 2021 तक होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पोस्ट है साइकेट्रिक नर्स की, यहाँ पर BSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग और MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे। और कम्युनिटी नर्स के लिए यहाँ पर जीएनएम होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल फॉर ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल विथ 1 मंथ ट्रेनिंग इन साइकेट्रिक नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर दोस्तों GNM होना चाहिए जो कि वेस्ट बंगाल या ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और 1 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कि साइकेट्रिक नर्स में। आगे बात करते हैं सैलरी की, साइकेट्रिक नर्स के लिए 28,000 रुपये, कम्युनिटी नर्स के लिए यहाँ 25,000 रुपये हैं। अपर एज लिमिट 40 ईयर जो कि 1 जनवरी 2021 तक। अगली पोस्ट है मेडिकल रिकॉर्डर कीपर के लिए यहाँ पर है, इसके लिए 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। आगे बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। असेशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या वेस्ट बंगाल इंडिया का रजिस्ट्रेशन या वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन वाले यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, MBBS डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या वेस्ट बंगाल। सैलरी की बात करें तो 60,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। स्टाफ नर्स की यहाँ पर पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं जिसमें UR अनरिजर्व कैटेगरी की एक है और SC की यहाँ पर एक है। GNM फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यहाँ पर GNM होना अनिवार्य है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा, तो साइकेट्रिक सोशल वर्कर और सोशल वर्कर के लिए यहाँ पर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के 70 नंबर हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस के 15 नंबर हैं और इंटरव्यू 15 नंबर के होगा। 70 नंबर क्वालिफिकेशन के और 15 नंबर एक्सपीरियंस के और 15 नंबर इंटरव्यू के। ये था साइकेट्रिक सोशल वर्कर और सोशल वर्कर के लिए। साइकेट्रिक नर्स और कम्युनिटी नर्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 60 नंबर, वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए 25 नंबर, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 15 नंबर हैं। 60 नंबर आपकी क्वालिफिकेशन के, वर्किंग अगर एक्सपीरियंस है आपको उसके 25 नंबर और इंटरव्यू के 15 नंबर। मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर
एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के नंबर यहाँ पर 100 नंबर होने वाले हैं, जिसमें से बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन 80 मार्क्स के होंगे, पीजी डिग्री डिप्लोमा 10 मार्क्स है, एक्सपीरियंस का यहाँ पर 10 नंबर दिए जाएंगे। और स्टाफ नर्स की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली क्वालिफिकेशन से ही आपकी मेरिट निकलेगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है, आठ फरवरी 2021 शाम को 5 बजे तक। और एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरह का, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप भर के इस एड्रेस पर भेजना है आपको, CMHO ऑफिस डिमांड और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह आपको न्यू वैकेंसीज़ की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।